Hello students, welcome to our class. Last time we discussed chapter number 9, sequence and series. उसमें हमने last exercise, miscellaneous exercise chapter number 9 की शुरू की थी, जहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा था exercise number 5 और उसके 1, 2 and 3 ये तीन example इसके previous video में देखे थे. तो आज video में हम वही पे continue करने वाले हैं. So exercise number 4. Find the sum of the all number between 200 and 400 which are divisible by 7. यानी कि हमें वो सारे नंबर का सम फाइंड करना है in between 200 to 400. और वो सारे नंबर्स क्या होने चाहिए? 7 से डिविजिबल. चलिए, 7 से डिविजिबल क्या होता है, यानी कि अगर उस नंबर को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो वो नंबर रिमाइंडर जीरो देगा. इट मीन्स इट इज़ अ डिविजिबल बाय 7. देखिए आप, अगर मैं बात करता हूँ 200, तो 200 के बाद नंबर कौन सा आएगा? 201. इसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा सो क्या होगा? 7 टू जा 14, रिमाइंडर क्या होगी यहाँ पे? 6, 1 यहाँ पे ले आओ सो ये क्या होगा? 8 7 जा 56 और यहाँ पे रिमाइंडर बचेगी मेरे ख्याल से 5. ठीक है, ओके. सो रिमाइंडर अभी भी 5 बच रही है. अगर मैं 202 लूँगा, उसको 7 से डिवाइड करूँगा सो रिमाइंडर यहाँ पे 6 बचेगी. बट 203 को मैं डिवाइड करूँगा सो ये हो जाएगा 29 से और रिमाइंडर हो जाएगी 0. यू कैन चेक. ठीक है, सो 203 नंबर अपना 2 से डिविजिबल है. शुरुआत करनी है हमें 201 से. क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 200 एंड 400, यानी कि 200 और 400 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उसमें से सिर्फ 7 से डिविजिबल होते हैं, उतने ही नंबर चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट नंबर हमने ये मिल गया. ये नंबर क्या है? ये नंबर है मेरा 203. फिर कौन सा नंबर होगा? इजी है, इसमें आप 7 ऐड करते जाओ, वो 2 से डिविजिबल होगा. इसमें 7 कर तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 210. ये 2 से डिविजिबल होगा बाय 30. फिर 217, ये भी 7 से डिविजिबल होगा. इस तरह से आप पूरे नंबर लेते जाओ सो आपको नंबर मिलेंगे 210, then 217. इस तरह से पूरे के पूरे सम मिलेंगे कहाँ तक? चलिए मैं 400 को डिवाइड करके एक बार चेक कर लूँ. सो 400 डिवाइडेड बाय 7 सो क्या होगा? 7 5 जा 35, रिमाइंडर 5, एक और 50 बच रहा है. ठीक है, आंसर 50 आएगा और यहाँ पे रिमाइंड 7 7 7 49, रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे? 1. चलिए 399 चेक करते हैं. 399 इसके आगे वाला नंबर, वो क्या होगा? बाय 7 डिवाइड करो तो सो ये नंबर होगा 3 5 35, रिमाइंडर 4, 9 और 7 7 49. सो लास्ट नंबर कौन सा होगा? 399. ठीक है, सो यहाँ से लेके शुरू करेंगे 399 तक. दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 7. ओके, इतने नंबर हमें मिले जो क्या है? 7 से डिविजिबल है. ठीक है, चलिए अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है ये नंबर का सम. सो ये नंबर का सम क्या होगा? चलिए तो शुरू करते हैं. सो ये नंबर का सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये जो हमें सीक्वेंस हमने बनाई है 7 से डिविजिबल वाली, वो सीक्वेंस एपी है कि जीपी है या फिर कुछ स्पेशल केस वाली है, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. चलिए तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं. तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि अगर मैं
210 में से 203 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा 7। फिर 270 में से 210 सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या मिलेगा 7। फिर आगे का जो नंबर होगा उसमें भी से रिमेनिंग डिफरेंस क्या हो रहा है सेम। अगर डिफरेंस सेम है तो ये क्या बन जाएगा एपी, तो ये क्या है एपी है। सो ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है हमारी एपी है। एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 203। ओके फिर आपको डिफरेंस भी गिवन यहाँ से हो जाएगा, सो डिफरेंस क्या होगा 7। और आपको लास्ट टर्म गिवन है यानी कि ए एन, यानी कि आपको एल गिवन है। लास्ट टर्म कौन सा है 399। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एस एन, फाइंड करना है ये सारे सम का समीशन, सम फाइंड करना है। तो चलिए तो मैं सबसे पहले तो एस एन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन विच इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू। देखो लास्ट टर्म मुझे गिवन है सो ए प्लस एल, ऐसा ही फॉर्मूला पुट कर दो। बट इसमें मुझे एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और वो एन की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ यहाँ से। सो वो फॉर्मूला होगा एन थर्म का, ए एन विच इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन, ए एन टर्म गिवन है मुझे लास्ट टर्म 399। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है मुझे 203 प्लस एन। वी हैव टू फाइंड एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल्स टू 7। चलिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 बाय दिस, सो 203 प्लस 7n माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 399। ओके सो यहाँ पे 203 माइनस 7 सो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो 3 जाएगा सो 200 और फिर 4 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये होगा आंसर 196। चेक कर लेते हैं एक बार, सेम आंसर आ रहा है कि 203 माइनस 7 यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 9 हो गया सो 7, यहाँ पे होगा 6, 196। ठीक है चलो अपना आंसर सेम है सो 79 प्लस 196। चलिए फिर से 196 को इस तरफ भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा 79 विच इज इक्वल्स टू 399 माइनस 196। ओके चलिए सो फिर से मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा 399 माइनस 196 सो ये क्या होगा 302। क्या मिला मुझे ये 7n विच इज इक्वल्स टू 203। सो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 29। जस्ट हमने अभी पहले की थी रफ वर्क में है ना। चलिए सो n की वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ पे, n की वैल्यू मुझे मिल रही है यहाँ पे 29। ओके अब ये मैं फॉर्मूला में पुट कर दूँ नीचे वाली, तो देखो तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे एस एन विच इज इक्वल्स टू 29 अपॉन टू फर्स्ट टर्म 203 प्लस लास्ट टर्म 399। चलिए इसका एडिशन करते हैं सो 29 डिवाइडेड बाय 2 इनटू इसका एडिशन क्या होगा 9 प्लस 3 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी करो 9 प्लस 1 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी करो 3 प्लस 2 5 एंड यहाँ पे होगा 6। इसको 2 से कट हो जाएगा सो ये होगा 29 इंटू 301। ठीक है और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे आप 301 इंटू 29 सो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी 8729। ये होगा आपका एस एन, यानी कि 200 और 400 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो 7 से डिविजिबल है, वो सारे नंबर का सम कितना आएगा 8729 और कितने टर्म्स हो गए वो 29 टर्म्स हो गए। सो ये था आपका आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 4। सीक्वेंस में देखें आप तो हमें क्वेश्चन नंबर 4, चलिए सेकंड क्वेश्चन इनकी क्वेश्चन नंबर 5 इसके जैसा ही है सेम पर थोड़ा सा देखने लायक है। क्या देखने लायक होगा तो कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। देखो
दोनों नंबर में सबसे पहले तो पहला डिफरेंस यहाँ पे इन बिटवीन बोला था, बिटवीन 200 एंड 400, सो वो दो वैल्यूज नहीं लेनी है। यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है कि सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, यानी कि 1 से लेके 100 तक, उसमें 100 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, 1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, 1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड होगा उसमें, डिविजिबल होना चाहिए। किसके साथ? 2 के साथ भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 के साथ भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। सो वो सारे नंबर मुझे फाइंड करने होंगे। आप थोड़ा सा अपना ये लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन में, सो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि 2 से डिविजिबल वाले होने चाहिए और या फिर 5 से होने चाहिए, ठीक है। सो कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 2 से भी डिविजिबल होंगे एज वेल एज 5 से भी डिविजिबल होंगे, सो वो तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों से डिविजिबल है, हमें सिर्फ दोनों में से 1 से डिविजिबल होना चाहिए, क्लियरली लिखा है। और का मीनिंग ये होता है कि या तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ अ डिविजिबल बाय 5। सो राइट नाउ वी हैव टू सिलेक्ट दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड एज वेल एज 5, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम ऐसे नंबर फाइंड करेंगे कि जो 2 से भी डिविजिबल होते हैं और 5 से भी डिविजिबल होते हैं, इट मीन्स वो नंबर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि वो नंबर 10 से डिवाइड होगा जो इस दो नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। यानी कि आपको अब 1 से 100, यानी कि हमें 1 to 100 में से ऐसे नंबर निकालने हैं कि जो 10 से डिविजिबल होते हैं, फिर ऐसे नंबर निकालने हैं कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं, फिर ऐसे नंबर निकालते हैं कि जो 5 से डिविजिबल होते हैं, सिर्फ 2 से, सिर्फ 5 से और सिर्फ 10 से। अभी ये 10 वाले जो है ना, वो दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 को भी डिवाइड करेंगे सारे नंबर और 10 को भी डिवाइड करेंगे, सो वो दोनों में हो गए, 2 में भी हो गए और 5 में भी हो गए। सो इन दोनों का एडिशन करना है, जो आंसर आएगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर हुआ है ना। अगर क्लियर नहीं है, सो चैप्टर नंबर 1 सेट थियोरी में आपने ये सेट देखा था, यूनियन सेट, यूनियन सेट का नंबर ऑफ यूनियंस फाइंड करना है, 2 से भी डिविजिबल होता है और 5 से भी डिविजिबल होता है, सो उसमें और जो टर्म्स है ना वो यूनियन का सिंबल देता है, 2 से भी होना चाहिए उसके साथ साथ या फिर 5 से भी होना चाहिए, या फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उसका मीनिंग है और। सो जो दोनों में कॉमन है वो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। सो वो दोनों में जब डिविजिबल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि 2 से डिविजिबल कितने हैं, 5 से डिविजिबल कितने हैं और फिर 10 से डिविजिबल वाले कितने हैं, और तीनों का सम कर लेते हैं कि 2 से डिविजिबल वाले इतने नंबर हैं और इसका सम ये है, फिर 5 से डिविजिबल वाले इतने नंबर हैं और इसका सम ये है, फिर 10 से डिविजिबल वाले इतने नंबर हैं और इसका सम ये है, ठीक है। और एट द एंड हम ये तीनों के सम का ले लेंगे फाइनल आंसर। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि नंबर 2 से डिविजिबल वाले कितने नंबर हो गए। सो नंबर फ्रॉम 1 to 2 क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम अ नंबर 1 to 100 ऐसा नंबर मुझे चाहिए कि जो 2 से डिविजिबल हो। सो 2 से डिविजिबल नंबर क्या हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, then 12, 14 and last term क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। और ये सारे नंबर क्या है, ये सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, ओके। अगर ये 2 से डिविजिबल है, सो विच आर डिविजिबल बाय विच आर डिविजिबल बाय 2 इन बिटवीन 1 to 100, वो सब में कॉमन होगा, मैं लिख रहा हूँ। चलिए तो फिर पहले तो मैं ये पूरे इसका सम कर लेता हूँ। सो इसका सम क्या है, इसको मैं बोल देता हूँ एस, क्या बोलेगी इसका नाम, एस सफिस में 2 बोलते हैं, है ना, पर वो तो अपना सिंबल हो जाएगा S2 का,
नहीं, इसको कुछ और ही नाम दे देते हैं, एस एस डैश बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें इसके सम फाइंड करेंगे, एस डैश वो क्या होगा, 2 + 4 + 6 + up to now so and 100, यानी कि ये क्या है आपको, ये जो मिली वो क्या होगी, एपी होगी। और एपी में आप देख लो डिफरेंस क्या होगा, सेम, सब में डिफरेंस 2 ही है, तभी तो वो 2 से डिविजिबल है। सो जब भी ये सर डिविजिबल का क्वेश्चन आ जाए, सो वो क्वेश्चन अपना एपी पर ही होगा, ठीक है। ये मेरा एक क्ल्यू है आज के दिन का। सो फर्स्ट फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल्स टू 2, डिफरेंस भी 2 ही होगा, एंड लास्ट टर्म आपको गिवन है ए एन विच इज इक्वल्स टू 100। अगर आपको मालूम नहीं हो तो ये सारे क्या है, इवन नंबर। सो 1 to 100 में से कितने इवन नंबर हो गए, इवन नंबर 50 हो गए। सो ये नंबर कितनी होगा, 50 होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है सो आप ये फॉर्मूला पुट करके भी एन की वैल्यू 50 फाइंड कर सकते हो, पर अब तो ये इजी है, बच्चा बच्चा जानता है, है? छोटा बच्चा भी। चलिए अब फाइंड करते हैं एस डैश, एस डैश की वैल्यू क्या होगी, एस डैश की वैल्यू होगी सबसे पहले तो फॉर्मूला एन अपॉन टू ए प्लस एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, 50 टर्म्स आर देयर, डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म 2 एंड लास्ट टर्म 100, ठीक है। सो ये कट हो जाएगा 50, 102 डिवाइडेड बाय 2, ये कट हो जाएगा 51 से। सो 51 5 ज़ा, चेक कर लेते क्या आएगा, 51 5 ज़ा 5 5 एज इट इज, एंड 5 5 ज़ा 25, 2 double 5 2 double 5, और बाद में ये 0 50 का। सो इतने नंबर्स हो गए, ये क्या होगा, तो ये सारे इवन नंबर्स का एडिशन, ये इवन नंबर का एडिशन क्या मिला मुझे, एस डैश। चलिए ऐसा ही हम फाइंड करेंगे, क्या 5 से डिविजिबल तो वो नंबर क्या हो गया, सो ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, सो वो नंबर क्या हो गया 5 से डिविजिबल वाले, सो ये होगा 5, फिर 10, फिर 15, सारे 5 के मल्टीपल्स, 15 देन 20 एंड लास्ट टर्म इज 100 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, सो दिस नंबर आर डिविजिबल बाय फाइव से डिविजिबल बाय 5 है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है उसका सम, एस डबल डैश बोल दिया मैंने, एस डबल डैश विच इज इक्वल्स टू 5 + 10 + 15 एंड सो ऑन 100। चलिए 5 से डिविजिबल वाले ये कितने टर्म्स हो गए, सो ये 2 टर्म्स हो गए, अरे 20 टर्म्स हो गए, है ना। सो फर्स्ट टर्म हो गया 5, डिफरेंस भी 5 ही होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स 20 हो गए, उसमें आपको लास्ट टर्म गिवन है, ए एन गिवन है, वो क्या है 100। अगर आपको ये 20 अगर मालूम नहीं है तो आप कैसे फाइंड करोगे, सो वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला ए एन की, है ना, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, जिस अभी के पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ही, सो आप उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, फिर वैल्यू पुट कर दो एस डबल डैश बाई यूजिंग फॉर्मूला एन बाई 2 ए प्लस एल, एन की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म 5 लास्ट टर्म 100, सो ये हो जाएगा 10 से कट, सो 10 इंटू 105, सो आंसर होगा 1050। सो इतने नंबर हो गए जो सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल हो गए। चलिए और नंबर निकाल लें, क्या वो नंबर यानी कि वो दोनों से डिविजिबल वाले होते हैं वो कितने नंबर है, तो देखो वो नंबर क्या हो गया, देखो यहाँ पे 10 होगा, इसमें भी 10 है, फिर दूसरा नंबर क्या होगा, देखो इसमें 5 वाला तो एक भी नहीं आएगा, सिर्फ 10 वाला आएगा, और इसमें भी 5 वाला नहीं होगा, सिर्फ 10 वाला ही होगा, क्योंकि इवन नंबर वाले सिर्फ 0 ही है, ठीक है। सो 10 20 30 40 50 कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए, और वो 10 नंबर का सम क्या होगा, सो 10 नंबर वही हो गया जो 2 से और 5 से दोनों से डिविजिबल हो गए, ठीक है। सो चलिए सो हम ले लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि कौन से नंबर हो गए, 10 20 30 अप टू 100, दिस नंबर्स आर डिविजिबल बाय
बाय 10, 10 से डिविजिबल है, सो वो कितने नंबर हो गए और उसका सम क्या होगा, उसका सम को मैं बोलता हूँ s, s इट मीन्स 10 प्लस 20 प्लस 30 एंड सो ऑन 100, उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा 10, डिफरेंस क्या होगा 10, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n टर्म्स आर देयर, लास्ट टर्म क्या है, an इज इक्वल्स टू 100 विच इज इक्वल्स टू l, फॉर्मूला पुट कर दो, सो आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा यहाँ पे s विच इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म 10, a प्लस l, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे n इज इक्वल्स टू 10, a इज इक्वल्स टू 10 एंड l इज इक्वल्स टू 100, तो आपको यहाँ पे मिलेगा आंसर कुछ इस तरह से, n की वैल्यू क्या है 10, 10 बाय 2, a इज इक्वल्स टू 10, l इज इक्वल्स टू 100, 100 एंड 10, ये 5 से कट हो जाएगा, सो ये आपको मिलेगा आंसर 5 इंटू 110, इट मीन्स 550, सो ये हुआ सम, यानी कि 2 से डिविजिबल वाले इसका सम, 5 से डिविजिबल वाले इसका सम, और दोनों से डिविजिबल वाले इसका सम, ठीक है, सो अब मुझे फाइंड करना है कि सम ऑफ दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और 4, ओके, सो वो नंबर क्या हो गए, सो वो नंबर हो गए मेरे 2 से डिविजिबल वाले जितने भी नंबर है उसका सम, 5 से डिविजिबल वाले जितने भी सम, जितने भी नंबर्स है उसका सम, और वो दोनों से डिविजिबल है उतने के सम से मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट, यानी कि ये जो नंबर्स है, जो मुझे नंबर्स फाइंड करने को बोला है वो कैपिटल S, वो क्या होगा, वो होगा 2 से डिविजिबल, नंबर ऑफ नंबर का सम 2 से डिविजिबल, यानी कि मैं फाइंड करने वाला हूँ अब S डैश, S डबल डैश, और ये होगा S, यहाँ पे इसको बोल देते हैं S स्टार, ठीक है, सो ये होगा 2 से डिविजिबल, फिर ये होगा सिर्फ 5 से डिविजिबल, और दोनों से डिविजिबल है उसको मैंने क्या कर दिया, इन दोनों में से सब्ट्रैक कर दिया, मुझे सिर्फ और ही चाहिए, है ना, तो चलिए, सो इसका नंबर कितना था डिविजिबल, अभी जस्ट लिखा हुआ था पहले, मैंने रफ कर दिया, वो नंबर था 2550 प्लस ये नंबर क्या था 1050 माइनस 550, चलिए चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्लियर ही हो गया, 2550 माइनस 550 क्या बचेगा, ओनली 2000 प्लस 1050, सो इसका आंसर होगा 3050, ऐसे नंबर कि जिस सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 से ही डिविजिबल हो गए, बाकी किसी और के साथ डिविजिबल हो गए नहीं, थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है पर बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे सो ये आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या गिवन आपको, देखो तो क्वेश्चन पढ़ो तो पहले कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, यानी कि आपको 2 डिजिट नंबर्स के सम फाइंड करना है, बट कंडीशन है which when you divide by 4 yield 1 as remainder, ऐसे ही 2 डिजिट नंबर लेने हैं आपको कि जब आप 4 से डिवाइड करोगे तब उसकी रिमाइंडर क्या होनी चाहिए 1, अगर 1 से रिमाइंडर है इट मीन्स वो नंबर क्या होगा, यानी कि वो नंबर का एग्जैक्टली प्रीवियस नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, सपोज कि नंबर 12, नंबर 12 इज अ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, सो उसके आगे वाला जो नंबर होगा नंबर 11, नंबर 11 की बात करूं आगे वाला, सॉरी यहां पर वो नंबर क्या होगा, सो वो नंबर होगा यहां पर आएगा 3, 4, 4, 2, 8, रिमाइंडर बचेगी 3, 4, 4, 3, 12, रिमाइंडर हो गई 0, अब मुझे तो रिमाइंडर 1 चाहिए, सो ये नंबर क्या होगा 13, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ सो 2 से आएगा हमारा आंसर, और रिमाइंडर क्या होगी
वन. सो जिस केस में रिमाइंडर वन आ रही है सिर्फ टू डिजिट नंबर में, और वही नंबर कि उसको डिवाइड बाय फोर करने से जो भी रिमाइंडर वन आ रही है वो सारे नंबर का मुझे सम फाइंड करना है. ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है क्या नहीं. चलिए, सो वो नंबर क्या होगा, सो वही नंबर कि जो आपका फोर से डिविजिबल होगा उसके बाद वाला नंबर अगर आप उसे फोर से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या होगी, वन. मैंने जस्ट अभी पहले वही कहा था कि अपने वही नंबर लेने हैं ताकि उसका प्रीवियस नंबर फोर से डिविजिबल हो. ठीक है, और ऐसे कौन से लेने हैं हमें, टू डिजिट के. सो टू डिजिट के नंबर होते कितने हैं, टू डिजिट के नंबर होते हैं 11 से शुरू करते हैं हम 99 तक, 11, 12, 13 अप टू 99. ये सारे नंबर कितने हैं, टू डिजिट में है. और ये टू डिजिट में मुझे ऐसा नंबर लेना है, ये पहला नंबर 13. अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो वो रिमाइंडर क्या देगा मुझे, 1. फिर उसके बाद कौन सा नंबर होगा, फिर उसके बाद होगा 17. देख लो आप, 16 से यहाँ पे 12 के बाद क्या होगा, 16. तो 16 के एक पीछे वाला 17 नंबर आएगा. फिर 16 के बाद क्या था, 20. सो यहाँ पे क्या होगा, 21. ठीक है, बस तो आपको ऐसे ही लिखना है. सो हम ऐसे नंबर फाइंड किए हमने कि वो नंबर क्या है, वो नंबर टू डिजिट में है, एज वेल एज अगर आप उसको 4 से डिवाइड करोगे सो विच गिव रिमाइंडर 1. ठीक है, चलिए. सो सिर्फ वो नंबर हम लिख देते हैं कि हमें किस नंबर का सम फाइंड करना है. ओके, लास्ट टर्म कौन सा होगा, लास्ट टर्म होगा 99 को मैं 4 से डिवाइड करूं, सो 4 2 8, रिमाइंडर क्या होगी, 1. ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पे 9 नीचे ले आऊँ, 9 कैरी करूँ यहाँ पे नीचे, सो ये 19 बन गया, और यहाँ पे आएगा 4 4 16, और आपको रिमाइंडर 3 दे रहा है. सो अगर मैं इसके आगे ले होगा नंबर तो वो नंबर क्या होगा, 100, रिमाइंडर 0. पर ये तो 3 डिजिट नंबर है, वो मेरे काम का नहीं है. फिर 98 लोगा नंबर, 98 लोगा तो रिमाइंडर क्या आएगी, 2, वो भी मेरे काम की नहीं है. सो क्या होगा, 97, वो रिमाइंडर क्या देगा, 1. सो इस तरह से मुझे नंबर मिल जाएंगे 97, जो शुरुआत से मिलेंगे 13, फिर 17, 21, अप टू कहाँ तक, 97. सो ये सारे नंबर जो हो गए वो सारे नंबर टू डिजिट के हैं, एज वेल एज इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा. व्हेन यू डिवाइड 4 डिवाइड बाय 4 यील्ड रिमाइंडर 1. ओके, सो ये नंबर मुझे मिले, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस नंबर. ओके, सो लिख देते हैं हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6. ये सारे नंबर है जो गिवन कंडीशन से मैंने फाइंड किए, और वी हैव टू फाइंड सम ऑफ दिस नंबर विच इज कॉल्ड एस एन, 13 प्लस 17 प्लस 21 अप टू प्लस 97. इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 13. देखो ये सारी ए पी ई होगी, क्यों, डिवाइड वाला आया ना, ए पी होगी. सो 13 रिमाइंडर, सॉरी डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा यहाँ पे 4 सब में. फिर लास्ट टर्म आपको गिवन है ए एन, वो क्या है, 97. और ये कितने नंबर हो गए, चलिए पहले वो फाइंड करना पड़ेगा. सो शुरुआत करते हैं ए एन से. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन की वैल्यू क्या है, 97. फर्स्ट टर्म क्या है, 13. एन फाइंड करना है, एन माइनस 1. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, 4. चलिए 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये 97 विच इज इक्वल्स टू 13 प्लस 4n माइनस 4. 13 माइनस 4 तो ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 9. सो 97 विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4n, 4n को यहाँ पे और 9 को इस तरफ भेज दूँ. सो 4n विच इज इक्वल्स टू 97 माइनस 9. 97 माइनस 9 करूँ तो आंसर क्या होगा, 88. सो 4y विच इज इक्वल्स टू 88. therefore 4y नहीं, 4n. सो n इज इक्वल्स टू 22. इजी, n इज इक्वल्स टू 22.
अगर n इज इक्वल टू 22 मिला, सो अब ये फॉर्मूला कहाँ पुट करनी है, Sn की फॉर्मूला लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला में, लास्ट टर्म गिवन है वो वाली फॉर्मूला में. सो Sn विच इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, n n क्या है 22 अपॉन 2 इन ब्रैकेट a इज इक्वल टू 13 लास्ट टर्म 97. इसका सम क्या होगा 97 इंटू 13, ये हो जाएगा 97 इंटू 13, ये हो जाएगा 10 11 110. सो ये होगा 22 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 110, ये 2 से कट हो जाएगा 22, क्या होगा 11 इंटू 110. 11 स्क्वायर क्या होता है 121, और पीछे एक जीरो लगा दो. सो ये सब मिला आपको कौन सा नंबर, तो ये सारे टू डिजिट का नंबर ये सब मिला. ठीक है, सो ये आपका आंसर है ना, इजी क्वेश्चन. चलिए एक और इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है लास्ट क्वेश्चन. मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है यहाँ पे, जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे लास्ट जो फाइंड करने को बोला था वो मैंने मिटा दिया है. फाइंड द वैल्यू ऑफ n, x इज इक्वल टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n. चलिए पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ मैं, कि इफ f is a function satisfy f of x plus y which is equals to f of x into f of y. ये कुछ function पहले से इन्होंने define किया हुआ है कि f के अंदर x और y का मैं sum करूँगा, so वो sum मुझे क्या मिलेगा fx into fy. ठीक है, फिर क्या given है, फिर यहाँ पे ये given है कि for all x y belongs to n, यानी कि आपको x और y कैसे लेने हैं n में से, natural number में से, such that f of 1 is equals to 3. Pre-value आपको defined है कि 1 put करूँगा तो उसकी value क्या होगी 3, f of 1 always 3. अब चाहे x या put करूँ, x की जगह 1 put करूँ या y की जगह value 1 put करूँ, answer क्या मिलेगा वो 3 मिलेगा, f of 1 की value कोई भी केस में. ठीक है, चलिए सो शुरू करते हैं. और फिर क्या गिवन है, आपको ये भी गिवन है कि सिग्मा एक्स रनिंग फ्रॉम 1 टू n एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 120. इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप यहाँ पे पहले 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, कितने पुट करोगे, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, ये पूरे के पूरे का सम कितना आएगा 120. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जो यहाँ पे n है वो आपको n फाइंड करना है. ठीक है, सो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया, बट अभी तक ये क्लियर नहीं होगा. चलिए कोई बात नहीं, पहले तो ये पूरा मैं मिटा देता हूँ. सबसे पहली चीज कि आपको यहाँ पे गिवन है कि क्वेश्चन नंबर 7 f of x plus y which is equals to f of x plus f of y, sorry यहाँ पे multiplication, plus नहीं है, my mistake, multiplication. फिर क्या given है, फिर आपको given है predefined है f of 1 which is equals to 3. ठीक है, और आपको क्या given है, आपको ये भी given है कि sigma x running from 1 to n f of x which is equals to 120, yani ki f of x plus f of 2 plus f of 3 up to f of n, aur is sab ki value kya hogi 120, aapko itna given hai. theek hai, chaliye ye ek series hai dekhne jaye to aapko series mein se सबसे पहले तो ये f1, f2, f3, f4 ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. चलिए कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम यहाँ पे क्या करते हैं x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते हैं, देखो क्या होता है. सो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा f of 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू f of 2 होगा. ओके,
और एफ ऑफ, चलिए पहले यही आगे ही लिखता हूं मैं, एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ वन होगा, ओके ये वैल्यू क्या होगी, वन प्लस वन एफ ऑफ टू, और एफ ऑफ वन की वैल्यू मैं जानता हूं क्या है, थ्री, एफ ऑफ वन की वैल्यू भी क्या है, थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया। सिमिलरली अभी x इज इक्वल टू तो वन ही पुट करना है, एंड y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू टू पुट करो, देखो वैल्यू क्या मिलेगी। सो यहाँ पर इक्वेशन वन में, सो f ऑफ x की जगह वन, y की जगह टू, इट मीन्स f ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू, चलिए f ऑफ वन कितना था, थ्री, f ऑफ टू कितना था, नाइन, तो ये वैल्यू क्या मिली आपको, 27, और यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस 1, 3, सो एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 9, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 27, कुछ समझ में आया। सो यहाँ पे मैंने किया एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एफ ऑफ 2 9 प्लस 27 एंड सो ऑन एफ ऑफ n विच इज इक्वल्स टू 120, तो ये क्या मिल रही है आपको, ये आपको सीरीज मिल रही है, और वो सीरीज किसकी है, देखो वो जीपी की है, क्लियर है, जीपी नहीं है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 9-6 करते हैं, 9-3 करते हैं, आंसर क्या मिलेगा, 6, फिर 27-9 करोगे, 6 तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, चाहे फिर कोई भी नंबर मिले 16 मिलेगा आपको, चलिए ये सेम नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, तो अब रेशियो लेना है, रेशियो लो 9/3, 27/9, इसका आंसर 3 और इसका आंसर भी 3, दोनों का आंसर 3, इट मीन्स रेशियो क्या आ रहा है, सेम, रेशियो सेम हो तो वो क्या होगी, जीपी हो जाएगी, जीपी है तो जीपी का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सो ये जीपी में आपको सम गिवन है, एस एन कितना गिवन है आपको, 120, फिर फर्स्ट टर्म क्या है, 3, फिर आर होता है, आर भी क्या है यहाँ पर, 3, और एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन विच इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, चलिए एस एन इज इक्वल्स टू 120 विच इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 3 रेस टू एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना होगा, 3 माइनस 1 होगा 2, और वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, सो 3 रेस टू n माइनस 1, ईजी, चलिए ये कैंसिल हो जाएगा बाय 4, सो ये 40 42 80 80 इज इक्वल्स टू 3 रेस टू n माइनस 1, माइनस 1 इस तरफ आ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो वो हो जाएगा 81, 3 रेस टू n, इट मीन्स 3 रेस टू में 4 करूँ तो क्या होगा, 81 होगा, सो बेस सेम है, पावर को कंपेयर करवा दूँ, सो यहाँ से n इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 4, सो n की वैल्यू क्या हुई, 4, है ना, इजी क्वेश्चन, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर आप इसको एक बार समझ लो कि यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करके इस टाइप की आपको जीपी बनानी है या फिर ऐसी सीरीज बनानी है और वो सीरीज चेक करनी है कि ए पी है कि जीपी है, फिर तो उसके बाद आपको पूरा ही पूरा अपना इजी काम काज है, ठीक है, तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट क्या है, सिर्फ इतना पोर्शन डिफ़िकल्ट है कि आपको वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि मैं इस तरह से इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम ये आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आज थोड़े से एग्जांपल किए पर जितने एग्जांपल किए आई होप कुछ आप ये सारे एग्जांपल को अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी टाइम मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर डाउट सेशन, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।